हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ये एप्पल आईपैड प्रो को। 2021 वाला वेरिएंट है ये, 11 इंच वाला। तो ये रहा इसका बॉक्स। दोनों साइड में यहाँ पर एप्पल आईपैड प्रो लिखा है, ऊपर नीचे एप्पल के लोगोस है और पीछे इसकी कुछ हाईलाइट्स लिखी है। इसमें हमें बॉक्स में आईपैड मिलता है, टाइप सी का केबल मिलता है और एक चार्जिंग एडाप्टर। ये वाईफाई वाला वेरियंट है, इसमें हमें सिम इंसर्ट नहीं कर सकते। और इसकी प्राइस भी यहाँ पर लिखी है, लेकिन ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है, मुझे बहुत ही डिस्काउंट के साथ ये मिला है। तो चलिए अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत ही एयर टाइट बॉक्स है इसका। तो ये रहा आईपैड प्रो, सबसे ऊपर रखा गया है। इसको ऐसे करके निकलना पड़ता है और चार्जर वो सब भी निकल गया है यहाँ से। तो ये मैंने स्पेस ग्रे कलर का लिया है, इसको यहाँ पर साइड में रख देते हैं पहले। बहुत ही अच्छा लग रहा है पहले ही। ये कुछ पेपर वर्क्स यहाँ पर लिखा है, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। इसमें क्या है वो देख लेते हैं। आईपैड प्रो, कुछ एप्पल के स्टिकर्स और ये क्या है पता नहीं, ये कुछ भी काम का नहीं है ये सब। अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये सी टू सी केबल, चार्जिंग एडेप्टर और बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो ये सब को साइड में रख देते हैं और मेन डिवाइस के बारे में बात करते हैं। तो मैंने इसको सेटअप कर लिया है और टेम्पर्ड ग्लास भी लगा लिया है मैंने इस पर। पहले इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमें वॉल्यूम के बटन्स मिलते हैं, ये एप्पल पेंसिल के लिए है। नीचे दो स्पीकर और चार्जिंग के लिए टाइप सी का पोर्ट मिलता है। पीछे में दो कैमरा, एलईडी फ्लैश, लैडर स्कैनर, माइक, एप्पल का लोगो और नीचे यहाँ पर लिखा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है ये, तो यहाँ पर लिखा है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। ये मॉडल नंबर लिखा है और असेंबल इन चाइना लिखा है, मीन्स ये मेड इन चाइना ही हुआ। और ये एप्पल के वो कीबोर्ड के लिए है, मैजिकल कीबोर्ड के लिए। इस साइड में हमें कुछ भी नहीं मिलता ये माइक के अलावा। ऊपर भी हमें दो माइक मिलते हैं और दो स्पीकर मिलते हैं और इसके स्पीकर की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए अब इसको अनलॉक करते हैं। तो पहली नज़र में हमें इसकी डिस्प्ले बहुत ही अच्छी लगती है, 120 हर्ट्ज़ के साथ आती है, XDR रेटिन डिस्प्ले है ये। और यहाँ पर हमें फ्रंट फेसिंग कैमरा भी मिलता है, ये वीडियो कॉल के लिए और व्हाट्सएप के लिए। यूट्यूब में हमें एक वीडियो प्ले करते हैं 4K में, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि इसकी डिस्प्ले कैसी है। स्पीकर भी काफ़ी लाउड मिलते हैं हमें इसमें, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब में सब वीडियो देखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको इसका कैमरा देखना हो तो कैमरा भी ओपन कर लेता हूँ मैं। और ये इसका लेआउट है कैमरा का, अल्ट्रा वाइड में आप वीडियो शूट कर सकते हैं। स्लो मोशन वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, टाइम लैप्स का भी ऑप्शन है, पोर्ट्रेट, स्क्वायर, पैनोरामा, वो सब इसमें मिल जाता है। वीडियो आप 60 FPS में शूट कर सकते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात आती है तो इसमें हमें सबसे पावरफुल चिप मिलती है, M1 चिप। आईपैड में अभी तक वही पावरफुल चिप है। तो हम कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन करते हैं, ये कितनी देर में ओपन होती है वो देखते हैं। बहुत ही जल्दी ये स्क्रीन आ गई। और कितने FPS में हम खेल सकते हैं वो भी आपको बताता हूँ बाद में। सेटिंग में यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके ग्राफिक सेटिंग और वो सब। तो हम मीडियम पे अल्ट्रा में खेल सकते हैं, मतलब 120 FPS पर, और वेरी हाई पे 60 FPS में खेल सकते हैं। तो अगर आप गेमर है तो आपको बहुत ही पसंद आएगा ये आईपैड। और ये कई लोगों को ये लैडर स्कैनर का पता नहीं होता है वो किस काम का आता है, तो ये एक पोर्स की एप्लीकेशन है, उससे हमें पता चलता है वो उसका यूज़ क्या है। तो ये आ गई कार यहाँ पर टेबल पर। तो ये लैडर स्कैनर से इसको पता चल जाता है कि फ्लोर कौन सा है और वो सब, उससे ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये इसकी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था मेरा
एप्पल आईपैड प्रो का वीडियो, गेमिंग परफॉर्मेंस की वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगा, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर कुछ इसके बारे में आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।